कई यहाँ पर करीब 50 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर थे। जब कल रात यहाँ पर आग लगी तो एक के बाद एक करके ये ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगे और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह है आग लगने की। लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि जमीन पर किस तरह से कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, पेपर्स और इसके साथ ही ये दरवाजे, और बगल में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बैंक है, यहाँ पर भी कुछ नुकसान जरूर हुआ है। ये आग और बढ़ सकती थी लेकिन इस पर काबू पाया गया। कल रात 11:30 बजे की घटना है, लेकिन इस घटना में आपको बता दें बहुत ही दुखदायी है क्योंकि ये इसमें 7 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ भावना किशोर, टाइम्स न्यू भारत के लिए। नहीं, मुझे नहीं पता, हमें तो हमारा बच्चा चाहिए, हमें नहीं पता। हम तो अपना बच्चा अच्छा लेके आए थे, 88 बुखार था। पुलिस की तरफ से कोई जानकारी? नहीं, जानकारी मिले, कोई कह रहा हॉस्पिटल में बच्चा है, दूसरे में कोई कह रहा वहाँ नहीं है बच्चा, गए थे। मैम आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम है विनीता सरोज। अच्छा, कि आपके परिवार से किसी का मतलब बच्चा था? मेरे भतीजी है, मैं उसकी बुआ हूँ। अच्छा, क्या हुआ था, कब एडमिट कराया था, क्या कोई जानकारी मिली अभी तक? नहीं, परसों हल्का फीवर था, मैं लेके आए थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, ये बोलते हैं कि कल रखा जाएगा, एक दिन रखा जाएगा। उसके बाद कल आते हैं दोपहर में तो कहता बच्चा तुम्हारा ठीक है, अभी एक दो दिन लगेगा, एक दो रिपोर्टें आएंगी, उसके बाद क्लियर होगा। फिर दोपहर में हम फोन करते हैं घर जाके 5 बजे, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे को वेंटिलेटर पे रख दिया गया है। तो फिर उसकी मम्मी रो रही थी, हमें लेके आई यहाँ पे, 8 बजे आई हूँ, 1 घंटा रही हूँ, बच्चा सब कुछ बढ़िया था, ठीक था। ठीक है, कल रात यहाँ पे जब आग लगी इसकी जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है, बताया नहीं गया है। हमें हमारा बच्चा चाहिए, कैसे भी चाहिए, हम बच्चा अपना नॉर्मल लेके आए थे। 88 बुखार था, कोई ज्यादा बुखार नहीं था, उन्होंने बोला। फिर भी आपको पता नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, कुछ बच्चे मतलब कुछ बच्चों को लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, कुछ बच्चे डेथ भी हो गई है, कुछ बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, हमें तो हमारा बच्चा चाहिए, हमें नहीं पता। हम तो अपना बच्चा अच्छा लेके आए थे, 88 बुखार था। पुलिस की तरफ से कोई जानकारी? नहीं, जानकारी नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग हैं जिन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि इस बेबी सेंटर में आग लगने की घटना है। यहाँ तमाम परिवार के बच्चे जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, उनको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इस अस्पताल में आग लगी 11:30 बजे कल रात, और यहाँ से उन बच्चों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, और अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पे तमाम परिवार के लोग ऐसे धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे हैं, और जब वो सुबह इस सेंटर में पहुंचे थे अपने बच्चों को देखने के लिए, तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि यहाँ पर आग कल रात लगी, और इस आग लगने की घटना में कई बच्चों की मौत भी हो गई है। कोई सही जानकारी नहीं मिल रही? नहीं, जानकारी मिले, कोई कह रहा हॉस्पिटल में बच्चा है, दूसरे में कोई कह रहा वहाँ नहीं है बच्चा, गए थे नहीं है वहाँ पे, गए थे बच्चा नहीं मिल रहा है। थाने में बच्चा थोड़ी ना रखेंगे, अगर सीरियस बच्चे निकाले गए तो कहीं तो भेजा होगा। जीटीबी अस्पताल में भी कुछ बच्चों को लेके गए हैं, ऐसी जानकारी है। मानसिंह नर्सिंग होम में आपकी किससे बात हुई? उन्होंने बताया होगा कि आपका बच्चा आया है या नहीं आया? वो बोल रहे हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई? कल 9 बजे हुई है। किसी डॉक्टर का नंबर या कहीं किसी का नंबर? डॉक्टर का नंबर है, भाई के पास है, डॉक्टर का नंबर है। बात हुई क्या कुछ ऐसे? नहीं, फोन नहीं उठा रहे। सुबह पता है यहाँ पे जितने लोग थे वो सब फरार है? हाँ, मेरे को न्यूज पता चली है पेपर में। कल कितने बजे मुलाकात हुई? 9 बजे हुई है, उसके बाद नहीं? नहीं नहीं। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में कल रात आग लगने की घटना सामने आई। इस बेबी सेंटर में जब आग लगा, आपको बता